हेल्पिंग स्माइल सोसाइटी ने मरीजों को बांटे फल और मूंगफली। बाजपुर में आज पांडे अस्पताल और सरकारी अस्पताल में हेल्पिंग स्माइल सोसाइटी ने मरीजों को फल मूंगफली आदि खाने का सामान वितरण किया है। बात करने पर सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि सोसाइटी गरीब बच्चों को गर्म कपड़े आदि भी वितरण करती रहती है और भविष्य में भी सोसाइटी गरीबों के मदद को आगे आती रहेगी। ये थी डीडी टुडे के लिए उत्तराखंड बाजपुर से गुलवेज खान आजाद की खास रिपोर्ट। दिनेश भाई, ये आप अभी कुछ लोगों को आपने गर्म कपड़े वगैरह वितरित किए हैं, तो क्या आपकी ये ट्रस्ट है, सोसाइटी है, क्या है? सोसाइटी है सर, हेल्पिंग स्माइलर्स नाम से। अच्छा, कितने लोगों को आपने कपड़े वगैरह वितरित किए हैं? ये 600 परिवारों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान था। इसमें ऐसा हुआ कि किसी परिवार में 2 या 3 व्यक्ति एलिजिबल थे, तो शायद समथिंग 400 परिवारों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अपना ये ऑफिस ट्रस्ट का है? हाँ, ये सोसाइटी का ऑफिस है। सोसाइटी का ऑफिस। इसके अलावा और क्या क्या कार्य किए हैं आपने सोसाइटी के थ्रू? सोसाइटी से रिलेटेड हमने लगभग पिछले 3-4 साल से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लगभग 8 महीने पुराना है आज की डेट के हिसाब से। तो रेगुलरली बेसिस पर कभी हमें गर्म कपड़े बांटने की जरूरत हुई तो वो लगा हमारे आस पड़ोस में हुई है। चले जाते हैं तो पानी की सुविधा करा दी जाती है गरीबों के लिए। जब लॉकडाउन के समय में हमने राशन वितरित किया, सूरज भैया थे, मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रोग्राम किया गया था। बीच बीच में कुछ ना कुछ जो पॉसिबल होता है करते रहते हैं। इसका जो पैसे का अरेंज है वो कहाँ से करते हैं? फिलहाल तो ये सारे टीम मेम्बर्स हैं जितने भी कर लेते हैं, शायद आने वाले समय में कुछ लोगों की सपोर्ट मिलेगी। अगर कोई आपकी सपोर्ट के लिए, मान लीजिए कोई डोनेट करना चाहे, तो उसके लिए क्या है कि आप पैसा डोनेट कर सकता है या कुछ सामान डोनेट कर सकता है क्या? हाँ, हमारी योजना है, जैसे सूरज भैया ने हमें सजेस्ट भी किया था कि यूजलेस कोई भी प्रोडक्ट किसी के पास हो वो दूसरा व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सके, या उसके एवज में हम उसके बदले में कुछ नया प्रोडक्ट लेकर के लोगों को दे सकें। तो किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, घर का घरेलू सामान हो, या फाइनेंशियल हेल्प हो, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो उस व्यक्ति के पास यूजलेस है, या वो अपनी मर्जी से फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है, किसी भी तरीके से हमारा जो है सहयोग कर सकते हैं। इससे जो लोगों की दुआएँ मिलती हैं उन लोगों भी शामिल हो सकते। अब आगे भविष्य में क्या प्लान है? तो यह सर कि अभी हम